कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। नारायण स्वामी ने कहा, अब समाचार विस्तार से। अहिंदा चिंताकारा वेदिके की ओर से हैदराबाद कर्नाटका की विरोध नीति सरकार के विरोध में ज्योति यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा 13 अगस्त को कलबुर्गी के चिंचोली तालुके से लेकर 29 अगस्त बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क तक जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से लोगों में मांगे बताई जाएंगी और लोगों में जागरूकता लाई जाएगी। अहिंदा चिंताकारा वेदिके की 6 मुख्य मांग है, जिनमें धारा 371J को पर्याप्त रूप से लागू किया जाना चाहिए, 24 जिलों को नहीं बल्कि हैदराबाद के कर्नाटका भाग को 8% भर्ती एवं पदोन्नति भत्ता दिया जाए, कल्याण कर्नाटका में रिक्तियों को भरने की जरूरत है, कल्याण कर्नाटका भाग के कसागी कारखाने कंपनी उद्योगों में 80% भर्ती भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए, हैदराबाद कर्नाटका को धारा 371J के तहत केंद्र सरकार से 3000 करोड़ का अनुदान तय किया जाए और कल्याण कर्नाटका प्रदेश विकास बोर्ड के भ्रष्टाचार की जांच CBI से कराई जाए। अहिंदा चिंताकारा वेदिके के साईबन्ना जमादार ने केपी न्यूज से बात करते हुए ज्योति यात्रा के संबंध में बताया। कलबुर्गी से केपी न्यूज के संवाददाता मसूद आलम की रिपोर्ट। श्रावण मास के अवसर पर बीदर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों ने शिरडी साई बाबा मंदिर में पूर्व मंत्री और औराद बी के विधायक प्रभु चौहान द्वारा आयोजित साई बाबा दर्शन और दासोहा में भाग लिया। बसा कल्याण विधायक शरण सलगार अपने तालुके के भाजपा नेताओं के साथ 11 अगस्त को जिले के भाजपा नेताओं और 1200 कार्यकर्ताओं ने अपने परिवार के साथ शिरडी साई बाबा के दर्शन किए। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक शरण सलगार ने जिले में अच्छी बारिश, अच्छी फसल और किसानों के सुखी जीवन और देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। विधायक प्रभु बी चौहान ने कहा कि श्रावण माह के अवसर पर साई मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई वर्षों के बाद साप्ताहिक कार्यक्रम हो रहा है और विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ऐसी विशेष पूजा में शामिल होने का सौभाग्य मिले इसी मंशा से कार्यकर्ताओं के साथ भगवान का दर्शन कराया जा रहा है। तुंगभद्रा बांध के 19वें क्रस्ट गेट चेन लिंक के निर्माण के कारण 32 द्वारों के माध्यम से भारी मात्रा में पानी अनिवार्य रूप से नदी में छोड़ा जा रहा है। नदी किनारे के लोगों को पहले ही सतर्क रहने की सलाह दी गई है। DCMD जल्द ही इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। केशव कुमार ने कहा कि उन्होंने रविवार को तुंगभद्रा डांगे का दौरा किया और 19वें क्रस्ट गेट को देखा और फिर मीडिया से बात की। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक पानी को बाहर नहीं रखा जाएगा तब तक गेट की मरम्मत नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि टेक्नीशियन की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। केंद्रीय जल आयोग ने भी तकनीशियन भेजे हैं, हमने कुशल तकनीशियनों को भी बुलाया है। उन्होंने कहा कि वह शनिवार रात से ही अधिकारियों से फोन पर संपर्क में हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। मैसूर चलो पदयात्रा की समाप्ति के तुरंत बाद राज्य भाजपा में एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है। मार्च से दूर रहे बीजेपी नेता गुप्त बैठक कर रहे हैं। बेलगाम के बाहरी इलाके में एक निजी रिसोर्ट में 10 से ज्यादा नेता बैठक कर रहे हैं। विधायक बसवंत गौड़ पाटिल यतनाल, रमेश जारकीहोली, पूर्व सांसद GM बैठक में सिद्धेश्वर प्रताप सिंह, अन्ना साहेब जोले और पूर्व मंत्री अरविंद लिम्बावली समेत कई नेता शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र और पूर्व CM BS प्रताप चला है कि ये नेता येडियुरप्पा के खिलाफ अगली लड़ाई की रूपरेखा की तैयारी पर चर्चा करने वाले हैं। मुड़ा घोटाले के खिलाफ मैसूर चलो पदयात्रा के बाद बीजेपी का एक और गुट एक और पदयात्रा की तैयारी में लग रहा है। बताया जा रहा है कि बागलकोट जिले के कूड़ल संगम से लेकर बल्लारी तक वाल्मीकि निगम घोटाले के विरोध में पाटिल यतनाल और रमेश जारकीहोली के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध करते हुए और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति के रविवार दोपहर को फ्रीडम पार्क में हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में हिंदू जनजागृति समिति, राष्ट्र धर्म संगठन, राष्ट्र रक्षण पड़े, राष्ट्रीय संगठित पुरोहित कार्मिक परिषद, फाउंडेशन इंडिया, आजाद ब्रिगेड, शिवघर्जन, युवा सेना, समस्त विश्व धर्म रक्षा सेवा संस्थान सहित कई हिंदू संगठनों के प्रमुख और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान हिंदू जनजागृति समिति की भव्य
भव्य गौड़ा ने कहा कि हाल ही में बांग्लादेश में आरक्षण से शुरू हुआ छात्र आंदोलन हिंसक हो गया और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस समय पूरे बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है और सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में वहां के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामिक जिहादियों ने पूरी मानवता को शर्मसार करते हुए भयानक तरीके से हिंदू वृद्धों, महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार किया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482297। आज के इस कॉम्पिटेटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU अफिलेटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर विनीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशन्स के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036। और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज, एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388338। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोर्नली बीदर अफिलेटेड टू CBSE, कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कोपल में तुंगभद्रा नदी पर बने पंपा सागर बांध के 19वें क्रस्ट गेट की श्रृंखला टूटने से भारी मात्रा में पानी निकलने के बाद इसके निचले हिस्से में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। जल संसाधन विभाग के सूत्रों ने कहा है कि मरम्मत कार्य करने के लिए उन्हें जलाशय को मौजूदा क्षमता 105 TMC से 65 TMC तक खाली करने की आवश्यकता होगी।
जल संसाधन विभाग ने तत्काल आधार पर मरम्मत कार्य करने के लिए 5 को छोड़कर सभी क्रस्ट गेट खोल दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी 89,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 2018 में भाजपा में शामिल होने से पहले चलवाड़ी नारायण स्वामी ने अपनी 45 साल के करियर का अधिकांश समय कांग्रेस में बिताया। 2 हफ्ते पहले भाजपा ने नारायण स्वामी को विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया और वह भगवा पार्टी के प्रमुख दलित चेहरों में से एक के रूप में उभरे हैं। डीएच के एनबी होमले ने बीजेपी और दलित राजनीति पर नारायण स्वामी से बात की। मुझे लगता है कि यह भाजपा के सामाजिक न्याय का हिस्सा था। भाजपा को अक्सर दलित विरोधी और सामाजिक न्याय विरोधी करार दिया जाता है। मूलतः यह कांग्रेस द्वारा रचा गया हवा है। ऐसी धारणाओं को गलत साबित करने के लिए मुझे चुना गया है। भाजपा और उसका नेतृत्व हमेशा जांच के दायरे में रहा है और इसका मुख्य कारण कांग्रेस है, जो पार्टी को दलित विरोधी के रूप में चित्रित करने में सफल रही है। कांग्रेस हमेशा दलितों को ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ा करके गलतियों का फायदा उठाने की कोशिश करती है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज पूर्व राज्यपाल बी रचैया के स्मारक का उद्घाटन किया, जो एक साफ हाथ साफ राजनेता और एक स्वतंत्र दुश्मन के रूप में लोकप्रिय थे। बी जो पुराने मैसूर में एक प्रभावशाली नेता थे, रचैया सिद्धरामैया की राजनीतिक समृद्धि के लिए जिम्मेदार थे। सिद्धरामैया ने उस गुरु को नमन किया जिसने उन्हें ताकत दी। वैसे बी रचैया के स्मारक की घोषणा पहले सीएम काल में बजट में की गई थी। चामराजनगर तालुके के अलूरू गांव के बाहरी इलाके में 1 हेक्टेयर और 11 एकड़ क्षेत्र में एक शानदार स्मारक का निर्माण किया गया। स्मारक का क्षेत्रफल भूतल और प्रथम तल सहित 6,400 वर्ग फुट है और इसे सफेद रंग से सजाया गया है। स्मारक को रचैया के व्यक्तित्व के अनुरूप खिलते हुए कमल की शैली में डिजाइन किया गया है और पूरे स्मारक के लिए राजस्थान संगमरमर का उपयोग किया गया है। विपक्ष के नेता अशोक ने कहा है कि डीसीएम डीके शिव कुमार, जो सिंचाई मंत्री भी हैं, उनके पास अपने विभागों के प्रबंधन से ज्यादा कांग्रेस हाईकमान के एजेंट के रूप में काम है। अशोक ने जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट किया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार की दैवीय लापरवाही के कारण तुंगभद्रा बांध की 19वीं गेट चेन लिंक टूट गई है। बांध से बही प्रवाह बढ़ने से भारी मात्रा में पानी की बर्बादी हो रही है, जिससे नदी बेसिन के किसान चिंतित हैं। पार्टी के हितों को नागरिकों के हितों पर प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने व्यंग किया कि जो उपमुख्यमंत्री भ्रष्टाचार, राजनीतिक जोड़ तोड़, गुटबाजी, पड़ोसी राज्यों के चुनाव के लिए धन की व्यवस्था करने में व्यस्त हैं, उनके पास विभाग के कर्तव्यों को निभाने का समय नहीं है। कर्नाटका में तुंगभद्रा बांध का एक गेट शनिवार देर रात बह जाने के कारण निचले इलाके में भारी जलभराव हो गया। इसके कारण अब आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कृष्णा नदी के किनारे रहने वाले सभी निवासियों के लिए तत्काल बाढ़ चेतावनी जारी कर दी है। APSDMA ने कर्नूल जिले के निवासियों, विशेष रूप से कोसगी, मंत्रालयम, नंदवरम और कोथलम गांवों के निवासियों को अत्याधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। तुंगभद्रा बांध का गेट नंबर 19 बाढ़ पानी के भारी दबाव के कारण ढह गया। इसके कारण करीब 35,000 क्यूसेक पानी बह गया है। APSDMA के प्रबंध निदेशक आर कुमारनाथ के अनुसार कुल डिस्चार्ज 48,000 क्यूसेक तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसने निचले इलाकों में समुदायों के लिए संभावित खतरा पैदा हो सकता है। नारायण स्वामी ने कहा। KP News के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।